दोस्तों मेरे सामने एक पेशेंट बैठे हैं, अगर उनका हाथ देखिए तो हाथ का ये पार्ट बहुत ही कड़ा है, काला है, और काले साथ साथ बड़ा खुरदरा सा, अगर आप इसे ध्यान दे पाएँ तो बड़ा ही, आप देखिए इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बड़ा ही खुरदरा सा, देख रहे हैं ये देखिए एकदम खुरदरा, टच करने पर भी बड़ा ही खुरदरा है, देखिए एकदम खुरदरा सा स्किन है, जबकि अच्छे सर्विस क्लास है, ये देख रहे हैं एकदम जितने भी जो ये पार्ट एकदम खुरदरा सा है दोनों हाथ में, जबकि आगे स्किन, ये स्किन देखिए एकदम सॉफ्ट है, कहीं कोई कोई खुरदरा नहीं है। इस हाथ पलट लीजिए, एकदम नॉर्मल है, एकदम एकदम स्मूथ हैंड है, खाली खाली खुरदरा ये पार्ट है जी। अगर आप इसको फोटो दिखाओ, ये हमारे, मैं नेट फोटो दिखा रहा हूँ, इस तरह कई कई देखो इस तरह है, देखिए देख रही है ये, एक फोटो देखिए, ये देख रही है जी, ये इससे सीरियस मामला एक है, एक ये देखें तो ये बीमारी को बोलते हैं हम लोग एक कैंथोसिस निक्रिकेंस। आप देख रहे हैं इसमें कितना कितना कड़ा है, काला काला ये इसका हाथ है जी। आप देखिए एकदम ब्लैक, ये देखिए सारे, ये उंगली का भी काला होता है, ये देख रहे हैं ये काला काला, ये इस कंडीशन में बोलते हैं एक कैंथोसिस निक्रिकेंस। अब भाई साहब मेरे रिकॉर्ड करिए, पकड़ लीजिए बस। इस बीमारी में होता क्या है कि ब्लड के अंदर एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जब भी ब्लड में इंसुलिन बढ़ता है वो यहाँ के स्किन टिश्यू को ग्रो करता है, स्किन टिश्यू को स्टिमुलेट करता है ग्रो करने के लिए, साथ में पिगमेंट को स्टिमुलेट करता है मोर पिगमेंट बनाने के लिए, जिसकी वजह से थिक खुरदरी डार्क स्किन सारे जितने भी जोड़ों के ये ऐसा हो जाते हैं, चेहरे के आँखों नीचे भी कालापन आ जाता है, चेहरे के नीचे भी काला, ये कालापन आपका यहाँ भी काला है, आपका साइड काला हो जाता है, कभी कभी गर्दन में काला हो जाता है, इस कंडीशन बोलते हैं एक कैंथोसिस निक्रिकेंस। आपका हैंड पे ज़्यादा इन्वॉल्व किया है, गर्दन में इन्वॉल्व कम किया है, ये ब्लड में इंसुलिन बढ़ने से होता है। इसके कारण क्या होते हैं, या तो एक कंडीशन कराते इंसुलिन रेजिस्टेंस, किसी किसी के अंदर बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर, मसल टिश्यू में, अदर बॉडी टिश्यू में इंसुलिन कम काम करता है ड्यू टू खानदानी डिफेक्टिव जीन, किसी को डायबिटीज हो, मोटापा हो, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे लोग के परिवार में इंसुलिन बॉडी टिश्यू कम काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर बढ़ता है, तो बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है शुगर कंट्रोल करने के लिए। एक्स्ट्रा इंसुलिन ब्लड शुगर तो कौन नॉर्मल कर देता है, पर सेम एक्स्ट्रा इंसुलिन इसको स्टिमुलेट करता है एंड इसको थिक हार्ड खुदरा ब्लैक कर देता है, यहाँ काला हो जाता है। तो पहला हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि हेरिडिटी होता है या किसी वजह से कोई वेट गेन कर ले उससे भी सेकेंडरी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, या कुछ ड्रग्स लाइक स्टेरॉयड लेने से हो जाता है, या लोगों किसी बीमारी होती इंसुलिन, ये बीमारी होती कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिसीज, जिससे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल हार्मोन बनने से ऐसा हो जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है बॉडी ब्लड में इंसुलिन को बढ़ा देता है, या बीमारी होती हेरिडिटरी सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस बीमारी होती हेयर एंड सिंड्रोम या कई और बीमारियाँ होती जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसे लोग को आप जब ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर खाली पेट इंसुलिन, खाली पेट इंसुलिन खाने के दो घंटे बाद पीपी, तो ब्लड में इंसुलिन हाई निकलता है, कभी कभी ऐसे लोग को शुगर भी हाई निकलता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों को कभी कभी फैटी लीवर भी होता है, ब्लड में लिपिड बढ़ जाता है, तो ये कंडीशन कराते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसमें अपना इंसुलिन फास्टिंग एंड पीपी चेक कराइए, सीरम कॉर्टिसोल चेक कराइए, एक लिपिड प्रोफाइल एंड एलिप्टिक चेक कराइए, बेस्ड ऑन दैट ट्रीटमेंट हम उसको दिया जाएगा, ये प्रॉब्लम नॉर्मली साल भर में ठीक होता है।